में एक्सक्रीशन। प्लेनेरिया ने जिन फैसिड मादों को जिस्म से खारिज करना होता है उसमें फालतू पानी, बमा फालतू नमकियात और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अहम हैं। प्लेनेरिया के जिस्म में एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम मौजूद होता है जो कि दो तुली शाखों पर मुश्तमिल होता है। इन शाखों के इतराफ से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें जिनके सिरों पर बर्फ की तरह के सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स इन सेल्स में सीलिया की हरकत की वजह से ये सेल्स शोले मोमबत्ती के शोले की तरह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इन सेल्स सीलिया की हरकत की वजह से फालतू पानी और कुछ नाइट्रोजन मादे इन ट्यूब्स में आ जाते हैं और जो कि इन ट्यूब्स के सतह पर मौजूद इखराजी सुराखों से बाहर निकल जाते हैं। प्लेनेरिया में और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज जिस्म की सतह से डिफ्यूजन के जरिए होता है।